हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं हूं अरविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरवी आर्ट प्लस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आँख ना कैसे दिखाई देगा, यहाँ पे आई बॉल होता है, ठीक है, और ये बंदा देख रहा थोड़ा सा नीचे, ठीक है। सीधी सी बात है कि इसका सेंटर में आई बॉल तो होगा नहीं, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे ऐसे। और इस वक्त ना हम लोग नीचे जब देखते ना तो थोड़ा सा आँखों को ये वाला जो लीड होता है ना, आई लीड जिससे बोलते हैं, वो थोड़ा नीचे को खींचते हैं ऐसे करके, ऐसे खींचते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अगर ऊपर खुला रहेगा आँखों को नीचे करके ऊपर रोशनी ना डायरेक्ट आँख पे पड़ेगा और हम लोग कोई चीज़ को देख नहीं पाएंगे, है ना। ऊपर से रोशनी पड़ेगा ना, सारा मामला को गड़बड़ कर देगा, इसलिए ये समझो ना एक रोकने के लिए होता है ऐसे करके, ठीक है। जैसे कि बड़ा सा कैमरा होता है, ठीक है, कैमरा में देखता है यहाँ पर आगे कुछ ऐसे लगा रहता है ना, है ना, क्योंकि इधर ये वाला एरिया अंधेरा कर दिए ना, है ना, रोशनी यहाँ पर डायरेक्ट ना पहुँचे लेंस के पास, ठीक है। इसलिए तो वैसे ही हमारा हम लोग का जो आँख है ये ऐसे होता है, ठीक है। और अब क्या है कि ये हम एक सर्कल में देखेंगे ना, और हमें ना यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है ये वाला लाइन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है क्या सीन, एक तो आगे चल रह गया, एक पीछे छूट गया, है ना। तो ये आगे बढ़ इतना बढ़ गया और ये इधर इधर पीछे छूट गया, ठीक है, ये इतना आगे बढ़ गया पीछे छूट गया। तो इसका रिकवरी कैसे करेगा, यहाँ पर ऐसे मुड़ के करेगा ना वो चीज़, है ना, इस वजह से ये मुड़ता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे मुड़ जाता है ना। ये वाला स्किन थोड़ा सा ऐसे अंदर धंसता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वाला हिस्सा ज़्यादा दिखता है। समझ में आया करण, कोई दिक्कत बताओ। ये वाला ऐसे ही रहेगा ना स्किन से देखना। और हाँ, अगर हम लोग थोड़ा साइड से देखें तो हो सकता है ये वाला आईबॉल हमें थोड़ा सा ओवल से दिखाई दे, इधर से हल्का सा ओवल से दिखाई देगा, ज़्यादा नहीं, है ना, कि चेहरा इधर घुमा हुआ ना और आईबॉल भी इधर है, ठीक है, थोड़ा सा ओवल से ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। और इसके यहाँ पे लेंस ना, पता है ये इसके अंदर रेटिना वगैरह कुछ होता है ना जिस पे इमेज बन के आता है ना, तो ये हिस्से को वो अंधेरा रखता है, बस थोड़ा सा ये खुला रखता है कि बस जो मेन चीज़ है इसके अंदर जाए, बाकी का जो रोशनी है वो ये वाला हिस्से को रोक ले, है ना, यही काम है इसका, ठीक है। नहीं तो और क्यों है खामखा ये वाला, क्यों मतलब इतना आराम से ऊपर नीचे होता है, बताओ, शटर की तरह, है ना, आई लिड, है ना, और कुछ रोशनी को ये वाला प्लग रोक लेता है, ठीक है, छांव कर, जैसे पेड़ के नीचे ना छांव कर देता है, हमें आराम लगता है बैठने में, है ना, वैसे ही इसमें भी कर देता है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे नीचे आया ऐसे करके, ऐसे नीचे आया। अब देखो ये वाला हिस्सा पूरा गड्ढे में ना, यहाँ पे एक हड्डी निकली रहती है ना बाहर, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब ये वाला चीज़ नीचे जाना चाहिए ना ऐसे करके, हाँ, ये हड्डी पे आई होती है, ठीक है। ये वाला हड्डी हमें इस तरह से दिखता है, ठीक है, यहाँ पे अंदर से अगर देखें ना तो ऐसे करके दिखेगा, है ना। अब इसी पे नहीं, ये वाइट कलर का स्किन फिट होता है, थोड़ा सा नीचे से होता है ये, तो ऊपर से देखिए बाहर ना निकल के आ जाए ना, ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह से हड्डी है, ये हड्डी कुछ इस तरह से है और यहाँ पे हमारा वाइट स्किन है, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया हमारा आई बॉल, ठीक है, और ये लेंस वाला हिस्सा आ गया ना जिससे रोशनी नीचे जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इधर से कोई चीज़ का इमेज बन रहा है और ऊपर से रोशनी आगे आएगा भयानक तरीके से, तो क्या होगा, इसको ये तोड़ दे रहा है ना, रोशनी नीचे से नहीं आता ज़्यादातर, ऊपर से आता है ना, ठीक है। तो इसी ऊपर वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर चमड़ी होती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, हाँ, ज़्यादा लाइट हमारे आँखों में न पहुँचे, ठीक है, हाँ। अब जैसे धूप में हमें किसी चीज़ को देखने में टाइट धूप पड़ रहा हो तो दिक्कत आता है ना, तो कहीं कहीं ये वाइट स्किन, ये जो चमड़ी होती है उस चीज़ को नहीं रोक पाता ना, तो हमें देखने में दिक्कत आता है, ठीक है। तो बस ये रीज़न है और इसलिए ये वाला नीचे जाएगा ऐसे करके, ठीक है, है ना। अगर ये ऐसा कुछ कंडीशन ना होता ना तो ये हमारा आँख कैसे बनता पता है, ऐसे करके जैसे ये नीचे आ गया, ठीक है, ऐसे बनता, ऊपर से बनता नहीं रहेगा, ऐसे बनता, ऐसे बनता, दोनों साइड से बराबर बनाता और ये आराम से आँखें सड़ जाता है ऐसे करके, है ना। लेकिन ये मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो किसी को तो पीछे जाना पड़ेगा ना, क्या अब ये इसका काम क्या है कि यहाँ पर जो बूंद आता है ना पानी या फिर पसीना वगैरह, उसको ना ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है ऐसे करके। जैसे मान लो कि ये पेंसिल है, यहाँ पे यहाँ पानी की बूंद डालेंगे ना, फिर बह करके आ करके इधर गिरेगा, ठीक है, ऐसे करके,
ये चीज़ यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगा ना, है ना, और कुछ इधर से जो आएगा वो इधर इधर की ओर बहा देगा ना। हम लोग जब भी पोछते हैं ना पसीना वगैरह, तो साइड से पोछते हैं, या तो इधर से पोछते हैं या तो नाक से पोछते हैं। ये वाला हिस्से को ये आईब्रो काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, ऐसे करके है ऐसे घूम जाता है, ठीक है। तो इसकी अलग से प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा ज़्यादा आसानी होगा, है ना, आईब्रो की। और ये वाला गड्ढा में है ना, ये वाला हिस्सा देखना, है ना। लेकिन इससे पहले ना बनाने में जब मजा आता है, जब हमें कुछ चीज़ दिखाई देती है तो आपको ही पहले बना लेते हैं। रोशनी किधर से लेगा, इधर से, इधर से, इधर से रोशनी लेंगे ना, उधर ही थोड़ा सा ये साइन करें तो चमकता है ना, इधर से रोशनी लेंगे, हाँ जिधर से रोशनी लेंगे उधर ही साइन करेगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से सेट्स डाल दे रहे, ठीक है। अब इसे जितना फिनिशिंग के साथ कर सको, ये ना एक अंदर ना होल होता है, हाँ, जिससे कि अंदर का पार्ट हमें दिखाई देता है, अंधेरा होता है ना, इमेज लेंस तो कहीं और होता है, ठीक है। ये चीज़ ऐसे करते ऐसे, ये ऐसे ये सिकुड़ने के लिए होता है ना, जैसे कि हमारा उंगली ऐसे मोड़ रहती है, यहाँ पर कैसे बन रहा है ये वाला, है ना, वही, जैसे कि कभी ये फैलता है ये वाला हिस्सा, कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा होता है, इसी वजह से ये वाला होता है, ठीक है। हमें ये काला काला ऐसे दिखता है ना, यहाँ पे ऐसे से आ गया, ये पहले से सेट्स डाल देंगे, ठीक है। अब हो सकता है ये वाला स्क्रीन ऊपर वाला स्क्रीन पर लाइट पड़े, तो वहाँ पर हमें नहीं डालना ना, हाँ ये उभरी हुई होती ना, हाँ तो वहाँ पर लाइट पड़ता है ना, नीचे जाएगा ना, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, हाँ यहाँ पे हड्डी होती ना इसके नीचे, यहाँ नहीं होता, थोड़ा सा नीचे होता, ठीक है, ठीक ना, है ना, आँख है ना उसको थोड़ा सा नीचे होता है ना, यहाँ पे हड्डी होती है, ठीक है, ऐसे करके। तो इस हड्डी के बारे में बाद में बताएंगे आराम से, ऐसे करके। ये वाला और डेप्थ में होता है ना, तो ये और अंधेरे में चला जाएगा। ये जरूरी नहीं कि पेंसिल आप इसी एंगल में मारो, किसी भी एंगल में मार सकते हो, ठीक है। बस ये हमें कोशिश करना है कि ये वाला हिस्सा यहाँ पे हमें डार्क करना है, देखना यहाँ पे ऐसे करके डार्क करना ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो देख करके बस सबको ऐसे ही लाइन मारे, किसी को मन है तो इधर से भी लाइन मार सकता है, ठीक है, इधर से भी लाइन मार सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अच्छा लगना चाहिए, फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए, आर्ट ऐसा नहीं है कि मतलब इसी तरीके से होगा, आर्ट किसी भी तरीके से हो सकता है ना, सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का ना। अब ये देखो यहाँ से घूम रहा है, यहाँ पर लाइट पड़ेगा ना, इधर नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ का स्क्रीन तो नीचे मुड़ रहा है, तो वो हाँ थोड़ा सा नीचे मुड़ रहा है ना। अब ये वाला यहाँ पे गहराई में आ जाएगा, है ना, देखो ऐसे करके, है ना, थोड़ा सा ये गड्ढा होता है अपना, ये स्क्रीन ऐसे जैसे नीचे उतर रहा, हमें यहाँ पर अक्सर चमकता हुआ दिखाई देता है स्क्रीन, ध्यान देना, ठीक है। देखा है यहाँ पे ना ये चमकता है, क्योंकि ये स्क्रीन ये घूम के ना हमारे आँखों सामने आता है, इसलिए थोड़ा चमकता हुआ दिखता है। ये जो चमक जो घूम के हमारे आँखों सामने आएगा ना, वहाँ पर चमकेगा, दिखा है, ये देखो ये चमक रहा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो स्क्रीन घूम के हमारे आँखों के सामने जब पहुँचता है ना, तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब हम लोग, हाँ अब इस कल आईलिड का जो शेडो है ये इसके स्क्रीन पर भी तो पड़ना चाहिए ना, यहाँ पे, है ना। और क्या हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि जो कलर होता है वो शेड्स में और डार्क हो जाता है, मतलब अगर ये ब्लैक है तो ये और डार्क हो जाएगा ना, है ना। और इधर से लाइट आ रहा है तो ये लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, कुछ तो ये साइन करने लगा, कुछ बाकी लाइट ना इसके अंदर धंस गया होगा, तो क्या होता है ये इधर डार्क हो जाता है उल्टा, और इधर वाला हिस्से को लाइट कर देता है, जैसे कि ग्राफ्स में हम लोग बताए थे, है ना, ये हम लोग बता चुके हैं ना पहले, ठीक है, ऐसे ये चीज, ठीक है। इसे हम लोग थोड़ा डार्क कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक तो ये स्किन ना ये सामने आ जाएगा ना, ये यहाँ पे हमें ये यहाँ पे से डार्क कर सकते हैं, बाहर निकल जाना, ठीक है, ऐसे ये ना नीचे से ना
ठीक है, ये चाहो तो थोड़ा सा इसका शेडो जैसे यहाँ पर बन सकता है, ठीक है, तो हम लोग डरेंगे नहीं, ठीक है, कर देंगे इसका। तो और जब डर जाते हैं ना, सोचते हैं कि वाइट कलर का ये वो स्किन होता है, उसमें शेड्स कैसे डालें, तो वो चीज़ करनी पड़ती है। यहाँ पर भी थोड़ा सा, यहाँ पर पानी की वजह से ज़्यादा चमकता है ये बोले ना, ठीक है, ठीक है। दूसरा आँख कैसे बनेगा? दूसरा आँख तो ये ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे करते है ना ये वाला, ये हाँ ये चीज़ ऐसे बनेगा ना, और हमें ये वाला चीज़ यहाँ से ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ऐसे करके। अब बाकी ये चीज़ इधर से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे, है ना। ये आईब्रो यहाँ पे बनेगा ना ऐसे करके, ठीक है।